तो एडवोकेसी कुमारदंडी का टाइम से एक नए प्रवचन के साथ आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन पतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो परेशान हो पड़े कि मेंटेनेंस जो है वाइफ मांग रही है, क्या मेंटेनेंस का उनको हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये सिंपल एक प्रैक्टिकल वीडियो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो मेरे पास क्वेरी आई थी और मुझसे पूछा गया, सर वाइफ तो पेमेंट मांग रही है, मेंटेनेंस कैसे लगा दी है, कैसे डिनाई करूँ, मैं तो फंस गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने को, तो क्या हर बार देना पेमेंटेंस देना कंपलसरी है, कुछ ऐसा है कुछ सोल्यूशन बताओ, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैडम सुनील कुमार द लीगल टाइम से एक बार आपका फोन वेलकम करता हूँ अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए और सब्सक्राइब करने बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी मैं बात छेड़ रहा था कि मेंटेनेंस, सर वाइफ जो होती है हमेशा पति से मेंटेनेंस टाइम करने की कोशिश करती है 125 CFPs के अंदर। सर मेंटेनेंस कब लगाई जाती है? सर मेंटेनेंस तब लगाई जाती है जब वाइफ हस्बैंड से अलग हो रही होती है और उसको अपने घर का रहन-सहन के लिए या बच्चे के साथ है तो उसके रहन-सहन के लिए उसको पति से मेंटेनेंस क्लेम देती है। वो कोर्ट में दरखास्त लगाती है, दरखास्त लगाती है वकील साहब के थ्रू, वो दरखास्त लगाती है और वकील साहब को बोलती है कि मैं मेंटेनेंस दिलवाई जाए। सर मेंटेनेंस दिलवाने के लिए अपलीकेशन मूव की जाती है सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत कोर्ट के अंदर, महिला कोर्ट में। सर जब चलती है मेंटेनेंस रिक्वेस्ट चल जाती है तो कोर्ट जो है मेंटेनेंस देने के पक्ष में ज़्यादातर महिलाओं के फेवर में होती है। अब बच्चा कैसे जाए? सर सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सर चार ग्राउंड है जो हमेशा बेनिफिशियल तो है लेकिन फिर भी डिपेंड करता है जजेस के ऊपर कि वो क्या कंसिडर करते हैं। सर पहली बात ये देखिए, जब भी आप मेंटेनेंस के ग्राउंड पर डिनाई करेंगे तो ये देखिए आपकी आप ये स्पेसिफिक करते हैं मेरी वाइफ जो है एडल्ट्री में थी और या है अभी भी और मेरे से जबरदस्ती मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। अगर आपके पास एडल्ट्री का प्रूफ है और आप उसको लगाते हैं तो उसे मेंटेनेंस डिनाई होती है। वाइफ को ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा मैं एडल्ट्री में नहीं हूँ। सर दूसरा ग्राउंड आप ये कहते हैं कि वाइफ बिना किसी नोटिस के बिना किसी रीज़न के घर छोड़ के चली गई है और ये स्पेसिफिकेशन भी है, अगर वाइफ उस चीज़ को भी नहीं कर देती है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तीसरा ग्राउंड, अगर वाइफ ये लगाती है कि मेरे पास मारपीट हुई है, मुझे मारा पीटा गया है, घर से निकाला गया है और मेरे पास डॉक्यूमेंट सबूत हैं, तो सर आप मेंटेनेंस डिनाई नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सबूत है कि जो उसने लिया गया है वो ब्लैकमेल करके कार्रवाई कर रहा है तो सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके सबूत है तो आप वाइफ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सर चौथा ग्राउंड, आज का जो प्रैक्टिकल चल रहा है कोर्ट्स में हम देख रहे हैं वो होता है आज का इनकम एफिडेविट माना जाता है, मांगा जाता है इनकम एफिडेविट दोनों पक्ष से मांगा जाता है, इनकी लड़के हस्बैंड से भी मांगा जाता है और वाइफ से मांगा जाता है। सर इसमें स्पेसिफिकेशन ये देखा जाता है कि आपने जो बेसिकली आपकी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप कितना खर्चा उठा सकते हैं और कहाँ के आप एक्सपेंसेस करते हैं, ये दोनों से मांगा जाता है। सर अगर ये प्रूव कर देते हैं कि वाइफ अर्निंग है और वाइफ इनकम एफिडेविट में शो करती है कि मेरी इनकम इतनी है कि मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ, तो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि अगर वाइफ खुद मेंटेन करती है अपने आप को तो पॉसिबिलिटीज है वो या तो उनकी एप्लीकेशन डिनाई कर दे या हो सकता है मिनिमम कम भी करती है। तो एक चीज़ बात ध्यान रखना है, डिस्क्रिशन पावर हमेशा जज के हाथ में होती है और मोस्टली देखा गया है जज जो है फेवर वाइफ को देते हैं और पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इंटर मेंटेनेंस चांसेस बनने के होते ही होते हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चित रहिए, इंटरमीडियट लगी लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड है तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज है 99.9% पॉसिबिलिटीज हैं कि जज साहब आपकी सुने और हो सकता है आपको पॉसिबिलिटी रिलीफ भी दिलवा दे कि जो इंटरमीडियट वाइफ क्लेम करना चाहती है वो बेबुनियाद है, रॉन्ग है, बेसलेस है और आप इस चांसेस से निकल सकते हैं। तो आप हमेशा अपने पास में सबूत रखिए और वाइफ को डिनाई कीजिए, वाइफ के वकील साहब का जो एप्लीकेशन मूव की है उसको हमेशा ऑब्जेक्शन उठाएं। अगर आपको लगता है कि स्टिल आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप रिवीजन या अपील में जा सकते हैं। तो सर आपके पावर है, आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिए और अपने आप को बेबुनियाद कोशिश करने की प्रयास कीजिए। आई होप आई मेड इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।